नाम क्या आपका? अल्लाह बख्श भैया। अल्लाह बख्श है। मैं कितने साल से यहाँ पर सीरिंग बटन में? 17 साल से काम ये कर ले गई हूँ। घोड़ा गाड़ी 17 साल से चला रही है। जिंदगी ये छे, मैं बच्चों को भी पढ़ा, स्कूल में मेहनत पढ़ के ये छे जिंदगी। अच्छा, हमें यहाँ आए थे, यहाँ टीपू आर्मरी जो है वो रेलवे ट्रैक के टेम्पो शिफ्ट करे थे। अब वहाँ गली जागी है बोल के पूरा पेपर में सब आया, उसके वास्ते आए थे। तुम्हें बोलो क्या, हमें क्या बोलते हैं को बोले तो हमें भी जाको पार्टियों को दिखाने, टूरिस्ट पार्टियों को दिखाना, हमने सभा माते हैं वहाँ जी जी। तो पूरा गला से गंदगी है, गेट भी नहीं, क्या भी नहीं, खाली जाना आना आदमी हमने बेजाब को पार्टियों को हमें प्रोग्राम क्या दिखाना करने का मालूम नहीं होता। पार्टियों के साथ खाते भी दिखाने गए तो हमने सभा माते। अच्छा अच्छा, टीवी की जगह टीपू सुल्तान की जगह का तो बहुत फेमस जी। बाहर की पार्टियां आपको हमना पूछते तो वाट ऐसे टीपू सुल्तान ये भी को पूछती, हमें ये भी का नाम पूछा था हमने सभा माता। हमारे आदमी ही नहीं, पहले उन्होंने क्या भी देखते थे जी जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की क्या बोलना चाहिए वाले क्या को बोले तो पीछे सामने से देख लेते, पीछे से छोड़ा दे। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने सामने से देख लेती है, पीछे से छोड़ा दी। हाँ, ये चारमरी को जब शिफ्ट करे तब लोगों को वहाँ जाने दिए नहीं थे? जाने ये कल्याण को भी नहीं जाते, छोड़ते नहीं थे। आज वो शिफ्ट करे के बाद कोई पूछने वाला नहीं? पूछने वाला नहीं। अच्छा अच्छा, तब वो मस्जिद भी बाजू होती है वहाँ जी जी। काटने के टाइम मस्जिद भी आई वहाँ जी जी। वो मस्जिद को कोई भी पूछने वाले नहीं, वहाँ मस्जिद भी आई वहाँ। अच्छा अच्छा, वहाँ रेलवे स्टेशन वाले नमाज पढ़ते थे वहाँ मुसलमान, वहाँ भी हमारे सब जगह भी है। हमारे आदमी को कौन भी क्या कर हमारे चेत में कौन पूछते नहीं। ठीक है सर, शुक्रिया। आदाब, नमस्ते नाज़रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल मैसूर बेंगलोर रेलवे लाइन है, जिसका डबलिंग काम के लिए पिछले साल यहाँ पे श्रीरंगपट्टन का जो आर्मरी था उसे शिफ्ट किया गया था। उसका शिफ्ट का मतलब यहाँ पे एक जदीद टेक्नोलॉजी के भरोसे 14 करोड़ रुपए हुकूमत की तरफ से खर्च किए गए थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ट्रेन गुजर रही है उसी की मतलब रेलवे लाइन की वजह से यहाँ पे ये सदियों पुराना आर्मरी हाउस जो मेरे अभी देख रहे हैं आप, उसे शिफ्ट किया गया था। ये शिफ्ट ऐसे ही नहीं हुआ था बल्कि 14 करोड़ रुपए इसमें सर्व किए गए थे और एक नई टेक्नोलॉजी से इसे इस मुकाम पे लाकर यहाँ पे रख दिया गया था। और इसमें कई अदालती कार्रवाइयाँ भी हुई और कई तरह मसाइल भी पेश आए, लेकिन इसके बावजूद चूँकि आबादी के लिहाज से रेलवे लाइन का ज़रूरी था इसलिए इस कदीम आर्मरी को यहाँ शिफ्ट किया गया था। लेकिन जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे एक मसले पेश आ रहे हैं कि यहाँ पे इस आर्मरी को यूं ही बेहाल रख दिया गया है, यहाँ पे कोई रखवाला नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे हम आए यहाँ पे गेट खुला हुआ है, यहाँ पे कोई रखवाला नहीं है। और यहाँ पे रात के वक्त इस आर्मरी को जुए का अड्डा, शराब का अड्डा बना गया है। और यहाँ तक मैं कह दूँ कि इस जगह को किसी और गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आर्मरी के अंदर दाखिल हो रहा हूँ, यहाँ पे कोई दरवाजा बंद नहीं है बल्कि कोई भी आराम से आ सकता है, जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ और इस आर्मरी में उन सदियों पहले जहाँ इस्लाम मतलब उर्दू में इस्लाम खाना बोलते हैं, हज़रत टीपू सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी मदरसा मतलब से मतलब से यहाँ पे इस्लाम का मतलब हमें यहाँ पे हथियार वगैरह रखा जाने का काम किया जाता था। इसकी मजबूत दीवारें हैं, गवाह हैं कि इन जंगों के इस वक्त यहाँ पे इस्लाम खाना है। यहाँ पर जरूरत किसकी हद तक जरूरत थी, यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे मदरसा था, बहुत ही अच्छा लगा सकते हैं। हर जगह कूड़ा क्रिकेट खेला हुआ है और यहाँ पे पत्थर और बदबूदार कपड़े वगैरह नजर आ रहे हैं। रात का मंदिर यहाँ पे क्या हुआ होगा, रात में क्या होगा, ये बात आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड ना हो क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जब इस हद तक अपनी इमलाक को इबादत करने में संजीदगी दिखाती है, क्या उन्हें यह महसूस नहीं होता कि इस आर्मरी को जो सदियों पुरानी है, जो अपने आप में कार्य रखी है, क्या इसकी हिफाजत के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती, क्या यहाँ पे कोई गार्ड की जरूरत नहीं है, क्या इसे ऐसे ही ख्याल रखना ये कहाँ तक सही है। हम मुंतजमीन से ना सिर्फ मांग करते हैं बल्कि ये कहते हैं कि हज़रत अल्लामा ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क के लिए अपनी जान तक पेश कर दी,
ऐसे असीम हस्ती को जहाँ पे सिर्फ टीपू जयंती के नाम पर यानी थोड़े दिन में 10 तारीख को टीपू जयंती के नाम पर वाविला मच रहा है। हुकूमत अपने सियासी अपराध मुखालिफ के तहत कर उस जयंती को मनाने की तुल हुई है तो अपोजिशन इस जयंती को लेकर कई तरह के बयानबाजी देते हैं। पिछले साल से हमने देखा यहाँ पे देख सकते हैं आप रात में शायद ये कपड़े या कुछ कूड़ा क्रिकेट है जिसे जलाया गया है यानी यहाँ पे आजादी खुली कोई नहीं कुछ भी कर सकता है। ये देख कर बेहद अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना मैं वापस आ रहा हूँ आर्मरी के बाहर खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड था ना कोई और था बल्कि यहाँ पे कोई भी बासानी तौर पर दिन में आ सकता है तो रात की हालत भी यही है। यहाँ के मुकामी लोगों ने भी इसका दर्द का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जब भी आर्मरी को शिफ्ट करना का मनसूबा था तो उस वक्त यहाँ लोगों को दूर दूर तक आने नहीं दिया गया। जब शिफ्ट करने के मामले में इतनी संजीदगी दिखाई गई तो शिफ्ट करने के बाद ये क्या हुआ है? क्या यहाँ झाड़ियाँ ऐसे ही रहेंगी? क्या ये आर्मरी को कोई अपनी हैसियत ही नहीं है? आखिर इसका कई ऐसे सवाल या निशान खड़े हुए हैं। मैं अभी बता रहा था कि टीपू जयंती के तलब से मजहब इस्लाम में खासतर हज़रत टीपू सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह जो एक दीनी शख्सियत हैं औलिया अल्लाह तसव्वुर किए जाते हैं उनका जन्मदिन मनाना ये इस्लामी सेवा नहीं है। कई मजहबी लोग यही फिक्र जाहिर कर रहे हैं कि इस जयंती को मनाना गोया एक औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी होगी और दूसरी जानब कुछ और बाशऊर लोग यह कहते हैं कि इस जयंती को मनाने में हमारी मसलियत छुपी हुई है। अब ना जाने इसमें क्या है कि ये दानिश्वर लोगों को ही छोड़ता हूँ लेकिन यहाँ पे जो मैं आया हूँ इस मुशाहदे पे इसी नतीजे पर इकट्ठा हुआ हूँ कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारे जयंती के दिन जिस फिक्र जयंती को लेकर हम कर रहे हैं क्या इस आर्मोरी का लेकर क्या हमारा फिक्र नहीं बनता कि हम इस आर्मोरी के तलब से संजीदगी से हुकूमत से मुतालबा करें और हुकूमत के जरिए और कॉलेजियल सर्वे ऑफ इंडिया से ये मांग रखें कि इस तरह की गलती ना करें? क्या कुछ भी हो सकता है अगर इस तरह की तारीख को मिटाना शुरू कर दिया जाए तो आने वाले दिनों में और क्या होगा? ये हमारे नस्लों को हम क्या पेश करेंगे? इस मुल्क में जो इस्लाम ने कुर्बानियाँ दी हैं उसे हम क्या पेश करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बस इसी फिक्र को शायद मैं आपके मतलब व्यूअर से यही कहूँगा कि आप इसके बारे में संजीदगी से फिक्र करें और दानश्वर हजरात ख़ासतौर से इस बारे में कुछ संजीदगी से इस बारे में सोचें गौर व फिक्र करें और इसी की वजह से अगर इत्तेहाद में हम कुछ कर सकते हैं तो इस तरह के कामों को करें कि आने वाले दिनों में इस तरह की गलती कोई ना कर पाए। क्या हमारे इस्लाम की कुर्बानी को इसी तरह नज़रअंदाज किया जाएगा और कब तक किया जाएगा? जो कौम अपने तारीख को भुला देगी वो कौम कभी अल्लाह भी उसका साथ नहीं देगा। यही कहते हुए मैं आसिम के साथ सफदर खैसर कौसर न्यूज़ और मैसूर 24 आदाब। अण्णा इले आर्मरी गंटा इदला निम्गे मुंदे मने ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವೇನ್ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ತರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಯ್ತಾರ ಯಾರು ಕಾಣಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇದೇ ತರ ಇರೋದು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಇದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆತ್ತಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೋಬಿಡ್ತಾ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.